अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने गंदे से किचन में लेकर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ किस तरह से मैं करती हूँ रात में सफाई किचन की। आज हम लोगों ने डिनर में बनाया था पिज्ज़ा, यमी सा, मज़ेदार सा, बच्चों की फरमाइश पर। और उसके बाद ये देखिए किचन का क्या हाल है। और किचन की करने वाली हूँ मैं सफ़ाई, और वो दिखाऊँगी आपको कि रात में मैं किस तरीके से करती हूँ किचन साफ। वैसे मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी, बर्तन धोना स्टार्ट कर दी थी, इसीलिए आपको ये थोड़े से सोपी वाटर में बर्तन नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट करी, मैंने कहा चलो व्हाई नॉट रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो एंजॉय कीजिए मेरी क्लीनिंग रूटीन। दिस इज़ अ लिक्विड डिश वॉश जिसको मैं यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए। और ये वाला जो है ये काफ़ी टाइम तक चलता है और इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता है। और जो है क्योंकि मैं जब सोप यूज़ करती हूँ तो उससे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आई प्रेफर दिस लिक्विड डिश वॉश। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लूँगी, ऑब्वियसली आई एम नॉट ब्रांडिंग। और ये जो है मैं आपको स्ट्रेटनर दिखा रही हूँ जिसका कहीं हैंडल टूट चुका है, लेकिन आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई डोंट वांट टू थ्रो इट। तो मैं इसको रखना चाहती हूँ और यूज़ करना चाहती हूँ, तो वो मेरे पास आज भी मौजूद है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बार बार जो है वॉश बेसन के सराउंडिंग में से, सिंक के सराउंडिंग में से सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरे जो सिंक है उसकी साइड्स जो हैं वो थोड़ी सी हाइट पे हैं, लाइक वो जो है ना साइड में से मैं पानी उसके अंदर नहीं डाल पाती हूँ, तो मुझे उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन इट्स ओके, अब आदत हो गई है। मैंने डो जो है पिज़्ज़ा का कुछ ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि माय किड्स आर पिज़्ज़ा लवर्स, और जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल वर्चुअल क्लासेस मींस ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो मुझे हेल्प आउट कर जाती हैं थोड़ी सी चीज़ें अगर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हों, कुकड हों। तो मैं ये कर रही हूँ कि बच्चों के मिनी पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो बना के फ्रीज़ कर दूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब कुछ इस तरह का मसला होगा कि मैं जो हूँ पॉसिबल ना होगा, कुछ जल्दी से उनको स्नैकिंग चाहिए होगी, तो मैं उनको ये बना के जल्दी से बेक करके दे दूँगी। मेरी एक वीडियो भी मौजूद है कि किस तरीके से आप लोग पिज़्ज़ास को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। इट्स एन ओल्ड वीडियो, लेकिन आई विल गिव द लिंक हियर, तो आप लोग उससे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं पिज़्ज़ास को फ्रीज करती हूँ। मैं जितनी देर भी किचन में काम करती हूँ, दुआ इसी तरीके से पीछे से आती जाती है। शी इज़ माई डॉटर, मेरी बेटी पीछे आती है, इन्जॉय करती है, और कुछ ना कुछ उसको मेरे साथ करवाना होता है, तो वो साइड बाय साइड मेरे खड़ी हुई है और कुछ ना कुछ फ़न मेरे साथ करती चली जा रही है। उसे डो प्ले डो समझ के आटे के साथ खूब खेलती है, तो ये देखें वो खेलना शुरू हो गई थी और फिर मैंने उसके हाथ से लेके अपना काम कंटिन्यू कर दिया। बेसिकली डिश को क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद, मैं उसको एक ड्राई टॉवल के साथ जो है ज़रूर ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ये होता है कि वो बर्तन उसी के उसी टाइम जो है ना वो सारे जगह पे पहुँच जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। अगर हम बास्केट में ही बर्तन छोड़ देते हैं ना, तो जो है वो जो है ना जो बास्केट होती है ना वो भी थोड़ा सा स्मेली हो जाती है और ग्रीसी हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ये आदत भी मैंने अभी कुछ टाइम से ही स्टार्ट की है, पहले मैं भी इस तरह नहीं किया करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने आदत स्टार्ट की है और रियली
बहुत अच्छी आदत है और इसकी वजह से मेरा किचन जो है फ्लॉलेस होता है। मुझे इतनी कोई खुशी होती है कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद फ़ौरन ही किचन साफ़ हो जाता है और सारे बर्तन धुल के भी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई बर्तन चाहिए होता है तो वो अपनी जगह पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये स्पून रेस्ट भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, 450 रुपये का एगेसी आया था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं इसका लिंक दे दूंगी नीचे, तो आप लोग वहां से मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब इसको बार बार वॉश करके मैं यूज़ करती हूं। एंड लुक एट दिस क्लीन सिंक, इतना साफ सुथरा कि सिंक देख के ना बड़ी खुशी होती है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, आई होप कि आपको भी हो रही होगी। अब ये रिमेनिंग बर्तन जो मेरे रह गए थे इनको भी मैं बिल्कुल ड्राई आउट करके अपनी अपनी जगह पर पहुँचा दूँगी। और उसके बाद पूरा किचन साफ़ करने के बाद जब हम सोने जाने लगे तो फिर मेरे हस्बैंड को लग गई थोड़ी सी भूख। तो उनको लगी जब थोड़ी सी भूख, उन्होंने कहा कुछ मीठा मीठा सा कुछ स्नैक दे दो। तो मुझे कुछ और तो उस वक्त सूझा नहीं, मैंने कहा चलो मैं आपको रस के ऊपर ना और उनका फेवरेट जैम जो है ना वो लगा के दे देती हूँ। सम टाइम इस तरीके से होता है कि वो कुछ हल्का सा खाने को मांगते हैं तो मैं इस तरीके से उनको दे देती हूँ। तो मैंने रस लिए और उसके ऊपर जैम लगाया ब्लैक करंट फ्लेवर का, जो मैंने आपको अभी शो किया था, और उनको सर्व कर दिया। और इत्तेफाक की बात है, पापे भी ना जो रस वो सिर्फ यही पीसेस बचे थे, बाकी सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ आज की ये वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग मी। जज़ाकअल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।